ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आपके लिए भी उतना ही वैल्यूएबल बनाऊँ। ये मेरे चैनल का 100th वीडियो है जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मेरे चैनल पर अराउंड 3000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, 100 व्यूज़ का वॉच रेट है, 100 व्यूज़ मेरे ऑलमोस्ट हर वीडियोज़ पर आते ही हैं और मैं अराउंड थ्री ईयर्स से इस चैनल पर वीडियोज़ बना रहा हूँ। 3 ईयर्स, इजेंट इट शॉकिंग? नो, आई नेवर वरीड अबाउट कि मेरे चैनल पे कितने व्यूज़ हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं या फिर कितने लोग मेरे वीडियोज़ को शेयर करते हैं। आपने ऑलवेज सुना होगा जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो अपने वीडियो के एंड में या फिर कुछ शुरू में भी ये कहते हैं कि उनके चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, उनकी वीडियोज़ को लाइक किया जाए और उनकी वीडियोज़ को शेयर करा जाए। तो अकॉर्डिंग टू यू इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में जो एक छोटा सा डिफरेंस होता है, एक जो छोटा सा फ़र्क होता है वो ये होता है कि व्यूअर्स ऑलवेज ये चाहेगा कि उसकी स्क्रीन पे उतने ही रिलेवेंट पोस्ट या फिर वीडियोस दिखाई दें जितना वो देखना चाहता है। बट बीइंग अ क्रिएटर ये चाहता है कि उसकी वीडियो या फिर चैनल को हर वो बंदा सब्सक्राइब करे जो उसकी वीडियोस को देख रहा है। लार्ज सब्सक्राइबर नंबर गेम्स आर नथिंग बट अ साइकोलॉजिकल गेम, जिसकी वजह से क्रिएटर को ये लगता है कि उसकी वीडियोस या फिर उसके कंटेंट को एक लार्ज ऑडियंस कांस्टेंट रेट से देख रही है, जिसकी वजह से एक कंटेंट क्रिएटर खुद को डे बाय डे इम्प्रूव करता है, खुद को डे बाय डे चेंज करता है अकॉर्डिंगली कि उसकी ऑडियंस क्या चाहती है। बट अगर आप इसी चीज़ को रेसिप्रोकल करके देखें तो एक ऐसा क्रिएटर जिसके पास लार्ज ऑडियंस नहीं है और उसकी वीडियोज़ को कोई कांस्टेंट रेट से नहीं देख रहा है, तो वो क्रिएटर खुद को एक कंफर्ट जोन में सेक्रीफाइस कर लेता है, खुद को एक कंफर्ट जोन में फिट कर लेता है जहां उसे लगता है कि मेरी ऑडियंस को यही पसंद है, मेरी ऑडियंस यही देख रही है, जिसकी वजह से वो बंदा खुद को रेगुलरली इम्प्रूव नहीं कर पाता और उसके कंटेंट में इम्प्रूवमेंट रेट आपको बहुत कम दिखते हैं। तो अगर बात मैं अपनी जर्नी की करूँ कि कैसे मैंने इस जर्नी को फेस कराया है या फिर कैसे मैंने इस जर्नी को जिया है, तो 0 to 10 का सफ़र मैंने तय करा है इस कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में। शुरू में जब मैं वीडियोस बनाता था तो मेरे पास ना कोई माइक हुआ करता था, ना मेरे पास कोई कैमरा हुआ करता था, ना मेरे पास कोई ट्राईपॉड हुआ करता था, कोई अच्छी लाइटिंग नहीं हुआ करती थी। तो शुरू में लगा यार कि इतने क्रिएटर्स ऑलरेडी हैं जो वीडियोस बनाते हैं, उनके सामने कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पर मैं अगर लो क्वालिटी कंटेंट देता हूँ तो उन पर कम्पीट करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि उनके पास ऑलरेडी इतनी ऑडियंस है कि मैं उन ऑडियंस को नहीं ले सकता। बट समटाइम ऐसा लगा कि एटलीस्ट स्टार्ट करा जाए, तो हारना या जीतना सब नसीब का खेल है, स्टार्ट करना आपके हाथ में होता है। तो मैंने एटलीस्ट स्टार्ट करा, फिर मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया एक कमरे के कोने में घुस के। रिस्पॉन्स अच्छा था तो सोचा इम्प्रूव किया जाए, तो इम्प्रूव के नाम पे बस कमरे चेंज हुए और कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी बहुत एडिटिंग सीखी तो कमरे में एक ग्रीन दीवार को रिमूव करके क्रोमा की ट्राई किया, फिर कुछ पैसे जोड़ के ट्राईपॉड आया, फिर माइक आया, फिर कैमरा आया और ये जर्नी 0 से शुरू होकर कब 5 और 7 तक चली गई पता ही नहीं चला। और आज भी मैं इस सफ़र को हर रोज़ जीता हूँ ताकि इसकी डेस्टिनेशन पता की जाए। बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन आज भी लगता है अगर ये 0 to 10 की जर्नी ना देख के सीधा 10 की देखी होती तो शायद मुझे भी लगता कि चीज़ें उतनी ही आसान होती हैं जितनी हम एक नज़र में देख लेते हैं। पैशन और प्रोफेशन के डायलेमा में बस एक फ़र्क नज़र आया, जो कि पैशन के लिए की हुई चीज़ों में मज़ा आता था और खुशी मिलती थी, और खुशी की वजह से ही मुझे आज तक फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, कितने लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं या फिर कितने लोग मेरी वीडियोस को लिटरली शेयर करते हैं। तो धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझ पर आज तक भरोसा करके मुझे देखा, मुझे सपोर्ट करा और ना रुकने का कॉन्फिडेंस बिल्ड करा।